ऑलराइट दोस्तों, ये है OnePlus 11R का परफॉर्मेंस रिव्यू, डिटेल परफॉर्मेंस रिव्यू करने वाले, सिंथेटिक बेंचमार्क्स के बारे में भी बताएंगे हम, हमारा जो रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस है, परफॉर्मेंस का जो एक्सपीरियंस रहा है वो भी बताएंगे। लेकिन उसके पहले एक चीज मैं आपसे कहना चाहता हूं, OnePlus 11 जब आया था तो मैं बहुत खुश था, बट जब OnePlus 11R आया और इसकी प्राइस देख के और भी ज्यादा खुश हो गया, क्योंकि अंडर 40,000 प्रोबेबली दिस इज द बेस्ट परफॉर्मिंग स्मार्टफोन आउट देयर। जी हाँ, और बताने वाला हूं क्यों। पेपर पे तो दिखता ही है बट रियल वर्ल्ड में भी। क्विकली दोस्तों, लेट्स गेट स्पेक्स आउट ऑफ द वे। अगर आपको पता नहीं है तो 8 प्लस जेन 1 प्रोसेसर आता है, लेटेस्ट रैम टाइप आती है LPDDR5X रैम, UFS 3.1 स्टोरेज टाइप आता है। इसमें दो वेरिएंट्स आते हैं, 8GB रैम 128GB स्टोरेज एंड 16GB रैम 256GB स्टोरेज। अब दोस्तों, ये फोन जो है ना, मैं 7-8 दिन से इस्तेमाल कर रहा हूं। एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी, अगेन 100W चार्जिंग आ गई है एंड 24-25 मिनट में 0-100% हो जाती है। 5000mAh बैटरी होने की वजह से नो प्रॉब्लम, मतलब मॉडरेट यूसेज 1.5 दिन जाता है, हैवी यूसेज जब हम गेम्स भी खेल रहे थे फिर भी एक दिन तो आराम से जाता है, सो नो प्रॉब्लम्स देयर एंड देयर इज अ रीजन फॉर इट। या 4nm प्रोसेसर है एंड दोस्तों ये 4nm प्रोसेसर है, इवन 8 जेन 1 भी 4nm प्रोसेसर था, लेकिन वो सैमसंग ने डेवलप किया हुआ था, ये TSMC ने फैब्रिकेट किया हुआ है एंड डिफरेंस नोटिस होता है एंड आई हैव बीन सीइंग इट फॉर अ ईयर और सो। पहले सिंथेटिक बेंचमार्क्स के बारे में बात करते हैं, पेपर पे क्या स्कोर आता है। अंतुदु स्कोर दोस्तों 1 मिलियन के ऊपर आता है, सो दैट इज रियली गुड। मतलब अगेन इट इज नॉट द लेटेस्ट फ्लैगशिप जनरेशन प्रोसेसर, स्टिल इट इज गिविंग यू अ स्कोर ऑफ 1 मिलियन। इसका मतलब आप आराम से कुछ भी कर सकते हो इसके ऊपर। और याद रखिए, अनबॉक्स वैसे दोनों भी 11, OnePlus 11 और 11R की अनबॉक्सिंग की हुई है, अंतुदु स्कोर सब कुछ टेस्ट करता है, आपका रैम टाइप, रोम टाइप, ये स्ट्रेस टेस्ट करता है और फिर आपको वो स्कोर देता है। तो ओवरऑल हमें पता चलता है वो जो स्कोर्स होते हैं उसके हिसाब से कि कैसा फोन है। और सिर्फ अंतुदु नहीं, गीकबेंच भी हमने टेस्ट किया, सिंगल कोर में 1300-1400 उस रेंज में स्कोर आता है एंड मल्टी कोर का स्कोर इंपॉर्टेंट होता है, दैट गोज बियॉन्ड 3700 to 4000, सो दैट इज ऑल्सो वेरी रिस्पेक्टेबल। और मल्टी कोर का परफॉर्मेंस टेस्ट करने के लिए हमने थ्रॉटल टेस्ट भी रन की। जी हाँ, 40 कोर्स हमने कंटिन्यूअसली 30 मिनट्स तक रन किया एंड कुछ 88% स्टेबिलिटी हमें मिली, विच इज वेरी गुड, क्योंकि हम एक शीट रखते हैं जहां पे सब जो फोन्स हैं उनका ये टेस्ट करते हैं एंड इट रैंक्स राइट अप देयर। तो बहुत कम फोन्स होते हैं जो 80% के ऊपर जाते हैं एंड दिस इज वन ऑफ देम। और याद रखिए, ये सब जो सिंथेटिक बेंचमार्क जब रन होते हैं दे आर वेरी वेरी इंटेंसिव, मतलब परफॉर्मेंस टेस्ट करने के लिए इट गोज टू द लिमिट और तभी हमें थर्मल्स भी पता चलते हैं। एंड थर्मल्स के मामले में जनरली आफ्टर द टेस्ट हमने चेक किया दोस्तों, 41 degrees, 42 degrees, सो दैट इज व्हाट इट वाज। आई विल से इट यूज्ड टू गेट वार्म बट नथिंग मोर देन दैट। दोस्तों ये तो हो गए पेपर पे सिंथेटिक बेंचमार्क्स, रियल वर्ल्ड यूसेज में परफॉर्मेंस कैसा था। और हमने एक्सटेंसिवली दोस्तों एपेक्स लेजेंड खेला, लॉन्ग सेशंस भी हमने खेले एंड एपेक्स लेजेंड क्यों, क्योंकि इट इज इंटेंसिव और आजकल और बहुत पॉपुलर भी है, सैडली बंद हो रहा है दोस्तों वो, बट एपेक्स लेजेंड्स हमने खेला, उसके ऊपर टेस्ट किया और फ्रेम रेट अल्ट्रा एंड ग्राफिक्स एक्सट्रीम पे कंटिन्यूअसली हमें 60 FPS कंटिन्यूअसली मिला, इवन इन लॉन्गर सेशन। वैसे FPS में भी दोस्तों हम इंटेंसिव करते हैं टेस्टिंग, फोन तो दिखाता है लेकिन हमने पर्फ डॉक सेटअप किया एंड वो सेटअप करने के लिए बहुत टाइम जाता है, बट इट शोज एग्जैक्टली हाउ योर फोन इज परफॉर्मिंग और उधर हमें कुछ 59.9 FPS कंटिन्यूअसली मिला। और एपेक्स लेजेंड छोड़ के अगर आप हेवीएस्ट गेम जेंशिंग इंपैक्ट वो भी हमने ट्राई किया, उधर भी कंटिन्यूअसली 55 FPS के ऊपर ही हमें फ्रेम रेट मिल रहा था, 55 to 60 FPS। और ये जो अच्छा परफॉर्मेंस है, अच्छे थर्मल लेवल्स है, इसके लिए 2-3 चीजें OnePlus ने इंप्लीमेंट की हुई है इसके अंदर। फॉर एग्जांपल, एक बड़ा वेपर कूलिंग चेंबर दिया हुआ है, उसकी वजह से जो हीट है दोस्तों डिसिपेट होती है एंड योर फोन डज नॉट गेट टू वार्म। और दोस्तों गेमिंग में एक चीज मैं पॉइंट आउट करना चाहता हूं, इसके जो हैप्टिक्स है, वो हैप्टिक्स आते हैं इसके अंदर, दे आर सो प्रिसाइज एंड सो गुड, मतलब यू नो यू रियली फील कि दे आर वेरी वेरी पॉलिश्ड, जैसे होने चाहिए वैसे है। सो हैप्टिक्स के लिए डेफिनेटली अ बिग थम्स अप। मैं कहना चाहता हूँ शायद ये 40,000 के नीचे सबसे अच्छा गेमिंग स्मार्टफोन होगा। और गेमिंग स्मार्टफोन विद कर्व स्क्रीन, जी हाँ, बहुत सारे गेमर्स कहेंगे कि एक्सीडेंटल टचेस वगैरह कैसे, नहीं इतने ज्यादा नहीं है एक्सीडेंटल टचेस, बिकॉज जो कर्वेचर है इतना ज्यादा नहीं है। सो व्हेन वी वर प्लेइंग वी डिड नॉट नोटिस टू मेनी, इनफैक्ट वी डिड नॉट नोटिस एनी एक्सीडेंटल टचेस। वैसे गेमर्स के लिए और एक चीज बता दो, इसमें चैंपियनशिप मोड आता है, बहुत बार ऐसे होता है कि डायरेक्टली होम स्क्रीन पे चले जाते हैं जब हम स्वाइप करते हैं डाउन नोटिफिकेशंस के लिए वगैरह, चैंपियनशिप मोड ऑन कीजिए, यू विल ऑलवेज बी ऑन द गेम स्क्रीन। और ये जो हाइपर गेमिंग इंजन है दोस्तों, ये बेसिकली एक डैशबोर्ड है जहां पे आपको FPS दिखता है, टेम्परेचर दिखता है, सो ये सब चीजें जो है आपको उधर दिखती है एंड यू कैन ऑल्सो मूव फ्रॉम बैलेंस टू प्रो परफॉर्मेंस, अगर परफॉर्मेंस मोड वगैरह चाहिए, प्रो गेमिंग मोड चाहिए, तो वो भी आप इस डैशबोर्ड से कर पाओगे। वैसे गेम डिपेंडिंग ऑन द गेम आप जो टच सैम्पलिंग रेट है वो भी कम ज्यादा उधर से ही कर पाओगे। सो सिंथेटिक बेंचमार्क्स देखिए या रियल वर्ल्ड भी एक्सपीरियंस देखिए, मैं बाकी
की चीजों के बारे में बात नहीं करने वाला हूं, क्योंकि वंस यू डू अ गेमिंग इंटेंस गेमिंग तो बाकी सब चीजें जो है वो तो आराम से चलती हैं. सो आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट दैट. ओवरऑल गेमिंग परफॉर्मेंस जो इसका था रियल वर्ल्ड एब्सोल्युटली ग्रेट, एंड और इसके जो थर्मल्स थे वो भी विद इन लिमिट्स थे. तो इसीलिए मैंने कहा कि दिस डेफिनेटली 40,000 के नीचे अगर एक गेमिंग स्मार्टफोन देख रहे हो, यू कैन डेफिनेटली लुक एट दिस, ऑल्दो इट इज नॉट अ डेडिकेटेड गेमिंग स्मार्टफोन. सो वन प्लस 11 से तो खुशी हुई थी दोस्तों, बट वन प्लस 11 आर से उससे भी ज्यादा खुशी हुई, बिकॉज दिस डेफिनेटली हैज गॉट मच मोर वैल्यू प्रोपोजिशन. या दोस्तों यही था हमारा वन प्लस 11 आर का परफॉर्मेंस रिव्यू. और भी अगर कोई सवाल है तो जरूर पूछिएगा. FAQ वीडियो भी करने वाले हैं वन प्लस 11 एंड 11 आर का टुगेदर. सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन डू आस्क. और हाँ, ये वीडियो अगर अच्छा लगा, कुछ फायदा हुआ, लाइक शेयर जरूर कीजिएगा. इस वीडियो में इतना ही. अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ.